हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे स्लीव डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। छोटी स्लीव है, मतलब कोनियों से ऊपर आएगी और ये डिज़ाइन भी उसी में अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, ये मेरा स्लीव है। फोल्डिंग का पहले ही मैंने प्रेस से फोल्ड कर रखा है, तो जो स्लीव की लेंथ है 7.5 तक आएगी हमारी स्लीव, क्योंकि ऊपर शोल्डर से भी दब जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है। 6.5 इंच इसकी ये लंबाई ली है मैंने और 5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। तो इसके ऊपर मैंने क्या किया है, पहले से पेपर पेस्टिंग चिपका लिया है। तो इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। नीचे से 1.5 इंच छोड़ेंगे हम, यहाँ से 3 इंच लेंगे और इस वाले निशान से 1 इंच ऊपर लेंगे। इस वाले निशान को हमें 1.5 इंच करना है। इसकी जो है हम इस तरीके से गोल शेप लगाएंगे और यहाँ पर भी हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से भी 1.5 इंच ही लें, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कट कर लें। ऊपर नीचे 1.5 इंच हो गया, यहाँ पे भी कपड़ा रहना ही चाहिए आपका। तो कुछ ऐसा शेप मिल गया है हमें। अब हम अपना स्लीव उठाएंगे और इसको हम सीधे साइड से रखेंगे इस कपड़े को। ये हमारा सीधा साइड है। ये फोल्ड को मैं खोल लूँगी तो इस तरीके से, ये हमारा सीधा साइड है। इसको बिल्कुल इस तरीके से क्रीज को मिलाते हुए रखना है। इसको आप चाहें तो पहले पिनअप कर लें और बिल्कुल सीधाई में ये क्रीज आनी चाहिए। तो चलिए पहले पिनअप कर लेती हूँ इसको। तो अब हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। चलिए लगा लेते हैं। तो इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कट भी लगा लिए हैं। तो अब इसको हम उल्टी साइड पलट लेंगे। तो इसको मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया और यहाँ पे थोड़ा मैंने शेप से कटिंग कर ली है, क्योंकि इसको इस तरीके से फोल्ड करके पूरे में तुरपाई करनी है और नीचे से तो ये हमारा इसमें आ जाएगा, फोल्डिंग में आ जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हमें इसमें लगानी है डोरी। तो ये डोरी मैंने पहले से बना रखी है और इसका वीडियो अगर आपको देखना है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगी, डोरी कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके से हमें लगाना है, इस तरीके से लगाना है हमें बीच में। फिर ये दो साइडों में लगानी है, एक किधर लगानी है। तो मैं पहले 4-4 इंच की इसकी लेंथ काट लेती हूँ डोरी की। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हमें डोरियों को रख के सिलाई करना है, उससे पहले मैं चिपका लूँगी। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा के चिपका लिया था, अब मैं इसको सिलाई कर लूँगी इस तरीके से। चलिए सिलाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई लगा ली है। आप एक और सिलाई लगाना चाहें तो और सिलाई लगा लें, ताकि और पक्का हो जाए। और यहाँ पे जो उल्टी साइड से यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी और यहाँ पे इस तरीके से साइड सिलाई हो जाएगी स्लीव की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन आप ज़रूर दबा देना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।